हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग 2-in-1 चॉकलेट एंड वाइट ब्रेड की रेसिपी। तो दोस्तों, दो ब्रेड को हम एक ही ब्रेड में बनाकर तैयार करेंगे, ब्राउन एंड वाइट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वाइट ब्रेड। तो वाइट ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लिया मैंने 1/4 कप मैदा। इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून यीस्ट, 1 टीस्पून चीनी और 2 टीस्पून मिल्क पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। और इन सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो अब मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लिया है और पानी की सहायता से मिक्स कर अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगा। तो इसका जो आटा है हमें एकदम सॉफ्ट गूंथना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका मैंने एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसको मैं सरफेस पर उतार दूंगा। अब इस पर डालूंगा मैं लगभग 1 टेबल स्पून के करीबन रिफाइंड ऑयल और इसको मैं अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लूँगा लगभग 10-12 मिनट के लिए। तो इसे हमें स्ट्रेच करते हुए मसलते जाना है, आप देख सकते हैं इस तरह। तो अगर आपका डो बीच में चिपकता है तो आप उसे स्क्रैपर की सहायता से हटा लें। तो इसको मैंने लगभग 10 मिनट के लिए अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है। तो अब इसको हम फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। तो एक बाउल लिया है मैंने, इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर दूंगा और इसमें रख दूंगा मैं डो। तो इस बाउल को मैं डो से ही ग्रीस कर दे रहा हूँ ताकि हमारा डो भी ग्रीस हो जाए ऑयल से अच्छे से। अब इस बाउल को मैं कवर कर दूंगा किसी प्लेट से और रख दूंगा इसको लगभग 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। तो अब हम बनाएंगे हमारा ब्राउन वाला डो। इसके लिए मैं 1/4 कप मैदा लूंगा एक बाउल में, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। इसमें डालूंगा 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून कोको पाउडर। तो इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा और इसको भी मैं गुनगुने पानी से अच्छे से इसका सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका भी मैंने अच्छा सा सॉफ्ट आटा गूंथ कर तैयार कर लिया। ये थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा है तो इस पर डालूंगा मैं रिफाइंड ऑयल 1 टेबल स्पून और इसको भी मैं मसल मसल के स्ट्रेच करते हुए अच्छे से गूंथ लूँगा लगभग 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लिया है और अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अब इसको भी मैं रख दूंगा फर्मेंट के लिए। तो बाउल को मैं ग्रीस कर लूँगा रिफाइंड ऑयल से और इस डो को मैं इस बाउल के अंदर रख दूंगा और इस बाउल को मैं कवर कर दूंगा किसी प्लेट से और इसको भी मैं छोड़ दूंगा 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों, ब्रेड को बेक करने के लिए यहाँ पर मैं ब्रेड के टिन को अच्छे से रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगा। तो इससे हमारा ब्रेड है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ब्रेड टिन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया, इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो दोस्तों, लगभग 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा डो कितना फूल चुका है, दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। तब इस डो को मैं बाहर निकाल लूँगा सरफेस के ऊपर और इसको मैं लगभग 4-5 सेकंड के लिए हल्का सा गूंथ लूँगा और इसकी मैं एक लोई बना लूँगा। तो दोस्तों, अब इसको मैं बेलूँगा। तो बेलन को मैं रिफाइंड ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लूँगा ताकि वो हमारा डो पर ना चिपके। तो बेलन को मैंने ग्रीस कर लिया। अब इसको हम एक रेक्टेंगल शेप में बेल कर तैयार कर लेंगे। तो चारों तरफ से हमें इसे एक जैसा ही बेलना है, कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं बेलना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से एक रेक्टेंगल शेप में बेल रहा हूँ। तो इसको मैं हल्का सा बड़ा कर दूंगा। तो आप इसको उसी साइज में बेलें जैसा कि आपका ब्रेड का टिन हो। तो इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है, अब इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला डो यानी ब्राउन वाला डो ये भी फूल कर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगा और इसको भी मैं लगभग 4-5 सेकंड के लिए हल्का सा गूंथ लूँगा और इसकी लोई बना लूँगा। तो इसको मैं रेक्टेंगल शेप में बेल कर तैयार कर लूँगा। तो इसको मैं हाथों से थोड़ा शेप दे दूंगा और इस डो को मैं इस तरह उठाऊंगा और इसको मैं वाइट वाले डो के ऊपर रख दूंगा।
तो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर दूंगा ताकि ये इसके बराबर हो जाए। तो हमें इस वाइट वाले डो के सेंटर में ही इसे रखना है। तो इस तरह हम इसको थोड़ा सा खींच लेंगे किनारों से, और अब हम एक किनारा उठाएंगे डो का और इसको इस तरह रोल कर देंगे। तो इसको मैंने रोल कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसके किनारे जो हैं इसको मैं अच्छे से सील कर दूंगा आपस में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी किनारों को मैंने आपस में सील कर दिया है। अब इस डो को मैं पलट कर इस तरह ब्रेड टिन के अंदर रख दूंगा और इसको मैं हाथों से अच्छे से प्रेस कर दूंगा, यानी इसे चारों तरफ इसे बराबर कर दूंगा। तो अब इसको मैं साइड में रख दूंगा और इसको मैं कवर कर दूंगा किसी कपड़े से, और इसको मैं आधा घंटा के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा। तो आधा घंटा में मेरा डो है वो फूल कर तैयार हो जाएगा। तो आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारा डो कितना फूल कर तैयार हो चुका है, ये टिन से बाहर निकल चुका है। तो अब इसको मैं मिल्क वॉश करूँगा, यानी इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क लगा दूंगा। इससे क्या होगा, जब हम ब्रेड को बेक करेंगे तो इस पर एक नाइस ब्राउन कलर आएगा। तो इसको मैंने मिल्क वॉश कर दिया है। अब इसको मैं बेक करूँगा लगभग 15 मिनट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। तो इसको हमें 15 मिनट के लिए बेक होने देना है। दोस्तों 15 मिनट में मेरा जो ब्रेड है वो अच्छे से बेक होकर तैयार हो चुका है। तो कई ओवन में कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अब इसको मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर दूंगा। तो ब्रेड हमारा अभी गर्म है, तो अब इसको मैं कवर कर दूंगा किसी कपड़े से और इसको मैं आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। तो दोस्तों लगभग आधा घंटा हो चुका है, हमारा ब्रेड है वो एकदम रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड कितना सॉफ्ट बना है और ये एकदम जालीदार है। तो यहाँ पे लिया मैंने एक नाइफ़ और इस नाइफ़ की सहायता से मैं इसके किनारों को अलग कर दूंगा। इससे हमारा ब्रेड जो है वो आसानी से निकल जाएगा। तो किनारों को मैंने अलग कर लिया है। अब इस ब्रेड टिन को मैं इस तरह पलट लूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा ब्रेड है वो बाहर आ चुका है। और दोस्तों हमारा ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ, एकदम मार्केट स्टाइल। तो दोस्तों अब मैं आपको ब्रेड को प्रेस करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और एकदम जालीदार हमारा ब्रेड बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसको मैं कट कर लूँगा। तो अब इसे कम्प्लीटली लगभग 1-1.5 घंटे के लिए कट ठंडा कर ले, उसके बाद इसे कट करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रेड कितनी आसानी से कट हो रहा है। अब इसके स्लाइस देखें, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसके अंदर की दो कलर। तो दोस्तों हमारा 2-in-1 चॉकलेट एंड वाइट ब्रेड बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको इसको तोड़कर दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा ब्रेड है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।